एसी वाली गाड़ियों से नहीं निकलते हैं, एसी वाले कमरों में विराजमान रहते हैं क्योंकि आपको रोज़ा ज़्यादा लगता है। तो आवाम के साथ जुड़े जो मसाइल हैं वो हल नहीं होते। तो जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसकी सारी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को मैं खुद दूंगी, और इस बाज़ार की कारकर्दगी के हवाले से भी उनको अपडेट दूंगी कि किस तरह ज़िला सियालकोट के अंदर आवाम जो है आपकी इंतज़ामिया की नाअहली की कीमत अदा कर रहे हैं, और किस तरह जो है वो हमारी यहाँ की एसी, क्योंकि मुझे यकीन है कि डीसी के नोटिस में ये नहीं होगा, लेकिन डीसी को भी ये देखना चाहिए कि अगर उसकी एसी आके उसको सब अच्छा की रिपोर्ट देती है तो वो झूठ बोल रही है। मौके पे मीडिया ने देख लिया है कि यहाँ की क्या बदतरीन सूरत हाल है। तो इस हवाले से हमें अपनी तरजीहात तय करनी है, क्योंकि हम अवामी लोग अवाम को जवाब दे हैं। हमने कोई एक हुकूमत चली जाए तो दूसरी हुकूमत के साथ फिर नहीं नौकरी ले लेनी, हमें अवाम के साथ ज़िंदा रहना है, और जो उनके मसाइल हैं उसकी हमने जंग लड़नी है, और इंतज़ामिया को हर हाल में हकूमती तरजीहात पे अमल करना है। ये नहीं हो सकता कि इंतज़ामिया जो है हकूमत के ख़िलाफ़ साजिश में मसरूफ़ हो। मैं ये समझती हूँ कि ये जो इस वक्त इस बाज़ार के अंदर नाकस सूरत हाल है, ये इंडिकेट करती है कि इंतज़ामिया किसी साजिश के तहत इस शहर के अवाम को हकूमत से मुतनफ़र करवा रहे हैं, और जो बाकी शहरों में इंतज़ाम हैं सिटीज़न एल्डर सिटीज़न जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके बैठने के लिए इंतज़ाम हैं, वहाँ अच्छी टेंटेज है, बाज़ारों के अंदर प्रॉपरली लोगों को लुक आफ्टर किया जा रहा है। यहाँ जिस किस्म का बाज़ार का माहौल है, ये एक मेन शहर के अंदर बाज़ार है, तो बाकी तहसीलों में क्या हो रहा होगा। अब बाकी तीन तहसीलों में भी हमने देखना है कि वहाँ के एसी क्या कर रहे हैं, और ये एसी अगर ये सूरत हाल है तो फिर ये मैं समझती हूँ कि ये हकूमत के वेलविशर्स नहीं हैं। ये लोग किसी एजेंडे के तहत यहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये हकूमत को बदनाम करने की साजिशों का एक हिस्सा है।